इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां हरियाणा में कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब नाम का अपना एक कैंपेन चलाया, तो बीते एक दिन पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे और कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। चुनावी समर में वादों और दावों का दौर जारी है। वादों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए सीएम ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे सरकार 10% आरक्षण देगी। अग्निवीर पीएम मोदी की लोकहित योजना है। अग्निवीर को ग्रुप बी और ग्रुप सी में अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों के घायल होने पर एक कमेटी जांच रिपोर्ट पूरी होने पर इलाज के पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं पीड़ित की मौत हो जाने पर परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही आर्म्स लाइसेंस की सुविधा सरकार अग्निवीरों को देगी। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि पुलिस माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। अग्निवीरों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरियाणा सीएम ने अग्निवीर योजना पर कहा कि हरियाणा अग्निवीरों को सरकारी सीधी भर्ती में छूट मिलेगी। इसके साथ ही अग्निवीर सैनिकों को 5 लाख रुपए तक लोन बिना ब्याज के मिलेगा। उन्हें कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अग्निवीर के बारे में दुष्प्रचार किया है। सरकार यातायात दुर्घटना में भी मुआवजा देगी, साथ ही अग्निवीर की सड़क दुर्घटना में घायलों का खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमा 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रतिवर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी देगी।